नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। जब कोई जी धर्म करने के लिए उद्यत होता है, उज्जवल लक्ष्य से बढ़ता हुआ जी जब धर्म के मार्ग पर चलने की सोचता है, तो काफी जीव ऐसे होते हैं जो थोड़ा कदम चलते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वे उस किस्म के लोग होते हैं जो सांप्रदायिक बन जाते हैं, क्रियाकांडी बन जाते हैं, अतः बहुत अच्छी भाषा में कट्टरवादी बन जाते हैं। इसके लिए आचार्य ने स्वधर्मो निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह ऐसा उनका स्वरूप कहा है। मीन्स भैया अभी माथा मत खाओ मेरा, जो चल रहा है कुल परंपरा से चल रहा है बस, और हम वो अभी आजमाएंगे उन लोगों का धर्म, तो हम कोई समाज में पूछेगा कौन, अभी अभी छोड़ दो इस ये कोई बात नहीं होती। कुछ लोग ये होते हैं कि शास्त्रों की कितनी खुदाई हो सकती है, बोले शास्त्रों का कोई पार नहीं है, और जो एक जन कहते वो दूसरा मना करता है उसका। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठित होते हैं, तर्क अप्रतिष्ठित है और बहुत सारे श्रुत है, और एक मुनि जो कहता है उसको उल्टा दूसरा मुनि कहता है, हम किसकी माने यार, इतना सूक्ष्म तत्व है, हमें तो चाहिए महाजनोयेन गता सपंथा, जिस पंथ पर बड़े बड़े लोग चलते हैं चुपचाप फॉलो करते रहो। और ऐसे लोग परीक्षा प्रधानता को एक दुर्गुण मानते हैं, तो तुमने ऐसा कैसे पूछ लिया, ऐसा कैसे पूछ लिया। अपना कोई ये बच्चा पूछे पापा सिख धर्म कैसा है, तुमने ऐसे कैसे नाम ले लिया उनका। एक बात है, मतलब सांप्रदायिक होते कुछ जी कट्टरवादी जिसको मैं कह रहा हूं वहीं पर रुक जाते हैं अपना अपना बाड़े में ही, वो बाहर के हवा नहीं लगने देना चाहते। जैसे थोड़े दिन पहले कह रहा था कि जिन मंदिर से बाहर गुजरना है उंगलियों में कान में उंगली डाल के निकलते थे, विद्यानंदी ऐसे ही थे मैं बोल रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं, और वे सांप्रदायिक तो नहीं होते हैं, वे दार्शनिक हो जाते हैं, और इस दार्शनिक परीक्षक होते हैं। और एक सच्चा परीक्षक ये होता है जो कहता है नहीं हम तो सबको परख कर देख लेंगे। गोपालदास जी की भाषा में बताइए अगर कोई, गोपालदास जी की भाषा शब्दों में, 2 रुपए का घड़ा भी का हमको खरीदना है तो ठोक बजाकर खरीदते हैं, ये तो धर्म का मामला है, यहां पर अच्छी परीक्षा होगी। और सब जन अपने अपने को अच्छा ही कहते हैं, हम एक एक की परीक्षा करेंगे। इसलिए भक्तामृत स्तोत्र में बहुत अच्छा एक छंद आया है जिसमें ये कहा है, हे भगवान बहुत अच्छा हो गया, आपके द्वार पर आने के पूर्व मैं सब जगह घूम के आया हूं। आप 2100 छंद बोल रहे हैं, माफ करना मुझे तो याद नहीं है वैसे। हाँ ये छंद है, मैं उसका भाव बताता हूँ। उसमें ये बताया गया है कि हे भगवान बहुत अच्छा हो गया, मैं सब दुकान टटोल के आपके दरवाजे पर आया हूं। इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं व्याकरण में, कि ऊपर से इट साउंड्स ऑकवर्ड, ऊपर से ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, होश में तो है ये, भगवान को ये बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हो गया आपके पास पहले नहीं आया, लेकिन उसका आशय ये है
मैं सबसे पहले आपके पास आता तो मेरी बुद्धि भटकती रहती, थोड़ा अड़ोस में जाके आओ, पड़ोस में जाके आओ। लेकिन आप दुनिया को बहुत अच्छे से देख लिया है, होकर निराश सब जग भर से, अब मेरे यहाँ से बाहर कभी जाना नहीं बनेगा। आया हूँ तो जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो जो परीक्षक होते हैं, वे परीक्षक तो ऐसी परीक्षा करते हैं, क्या महावीर और क्या कपिल, हम तो सबको परखेंगे। पक्षपातो न मे वीरे न मे कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। क्या कहा समझ में आया? मुझे ना राग महावीर के प्रति है, मुझे ना द्वेष कपिल के प्रति है, बशर्ते मुझे वस्तु स्वरूप पर खरी उतरने वाली चीज होना जरूरी है। फिर वो किसी ने भी कही हो, हम तो उसको अंगीकार कर लेंगे। ये परीक्षक होते हैं, उनको मैंने एक शब्द बोला, बोलिए दार्शनिक। और जो दार्शनिक होते हैं वे कभी भी सांप्रदायिक नहीं हुआ करते, वे थोड़ा उठकर दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं बहुत बार बच्चों को भी कहता हूं, आपको चाहिए, अब जितने भी षट दर्शन है, आप हिंदू मुसलमान की कहां बात करते हो, अब जितने भी छह दर्शन है, आपको छह दर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ऐसा उपक्रम हमारे श्रद्धे टोडर मंत्री कर चुके हैं, और अकलंग स्वामी भी कर चुके हैं ये सब, और समंत भद्र स्वामी तो है ही उसी जाति के। नास्माकम परीक्षा प्रधाना नाम, हमारे जैसे परीक्षा प्रधानियों को यह हरगिज बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा भगवान के पैर छोर हम छू लेंगे, ऐसे आशा नहीं करना। और देवागम स्तोत्र के जो प्रारंभिक श्लोक है वो इसी के रूप में है कि भगवान अब इस धोखे में मत रहना। भगवान धोखे में भी कैसे रह सकते हैं वैसे, भगवान इस धोखे में मत रहना कि हम आपके पास ये छत्र छवर को देखकर आ रहे हैं, हमारी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम तो वितरक्त को देखकर आपके पास आए हैं। ये एक दार्शनिक लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, जो सबको अच्छे से परख कर देखते हैं। और कुछ लोग और ऐसे होते हैं जो और थोड़ा कदम आगे बढ़ते हैं, और बोलिए अपना गंतव्य धर्म उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। धर्मात्मा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविद यदि ये प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन अच्छे से समझकर, षड दर्शन जैन दर्शन का सारभूत आत्मा समझकर उसका आश्रय करके रत्नत्रय की प्राप्ति करते हैं और धर्मात्मा भी हो जाते हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारे जितने भी आचार्य विद्वान हैं वे तो सब धर्मात्मा है ही, रत्नत्रय से संपन्न। लेकिन विशेष बात यह है जो क्वालिटी बहुत जनों में देखने में नहीं आती, सब में देखने में नहीं आती, ये क्वालिटी समंत भद्र स्वामी में है। और कल थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक ट्रेलर देखा था कि उनकी बौद्धिक क्षमता का और सर्वव्यापक सोच का और सर्वदयी भावना का, जिसमें उन्होंने समो शरण के शब्द के मुताबिक ये सबको अवसर है और हमें किसी के हीन दृष्टि की तरफ से नहीं देखना चाहिए, ऐसे एक बात आई थी। और समय समय पर महिलाओं पर भी अत्याचार हुए है सती प्रथा आदि के माध्यम से, समय समय पर स्लेवरी वगैरह दास प्रथा वगैरह भी काफी चली है, समय समय पर व्हाइट्स और ब्लैक्स का भी काफी झगड़ा रहा है, और नाजी वगैरह पार्टी के बीच में जाति प्रथा भी बहुत चली है। हमारे भारत देश में भी 100-150 साल पहले झाड़ू पीछे लगाकर चलना पड़ता था जो हल्की जात वाले हैं, आम तौर पर चाहे जिस गली से गुजर नहीं सकते थे, और प्यासा मर जाए वो कुएं की तरफ देख नहीं सकता था। एक पर्टिकुलर कुआ गांव के बाहर जिस पर हड्डियां रखी रहती थी, उससे यह तय होता था कि ये स्पेशली फॉर लो क्लास पीपल, वे ही वहां पर पानी पीते थे, मर जाते थे, इस तरफ आ नहीं सकते थे वे। एक ऐसा काल चला, उनको थोड़ी सी नजर उठाकर उनको देखना चाहिए संपूर्ण जैन शासन को, और उदार हृदय से जैनत्व में भी हाई क्लास लो क्लास न करके
एक सर्वव्यापक जैनीपना देखकर सबको गले लगाना चाहिए, बल्कि यहां तक भी प्रयास होना चाहिए जो जैनेतर है, कुल में जन्मे है, जो जन्मना नॉन जैन है वे कर्मणा भी जैन हो सकते हैं। जैसे इंद्रभूति आदि हमारे 11 11 गणधर जिन्होंने ओपनिंग ही किया है इस काल का, वो ओपनिंग ब्राह्मणों के ही द्वारा हुआ, और 11 के 11 गणधर जैनी नहीं थे, वे सबके सब ब्राह्मण थे। एक व्यापक सोच का ये परिचायक है। ऐसे हमने अभी तक देखे है श्लोक, दान चार दान के भेद देखने के उपरांत दान में प्रसिद्ध जीवों की कल बात देखी थी, श्री सेन, ऋषभ सेना और कोंडेश ग्वाल और शुकर, सुअर का भी उदाहरण उन्होंने दिया था। आज हमें दो श्लोक करने हैं और देखिए महानुभावों इस तरफ ध्यान दीजिए। आप ये जो पद का प्रयोग किया है मैंने महानुभावों, आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको संकेत भाई, कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं आपको बाहर भी कहूं महानुभाव ऐसा नहीं, महानुभाव ये कितना आदरवाची शब्द है, और आपको महात्मा कहूं तो कैसा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और ये विभूतियां महात्मानुभव भूलना नहीं, महात्मा और महानुभाव ये दो विभूतियों से नवाजा जा रहा है। हा एक मेंढक को, आज एक मेंढक की भी इतनी लायकत हो सकती है किसी की दृष्टि में, इसकी तो हमें खबर ही नहीं थी, लेकिन आज उसको क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, महानुभाव। ये जो महानुभाव है, ये जो महात्मा है, उनकी बात करेंगे। इसलिए भी ये बहुत नोटेबल श्लोक है, बहुत आदरवाची, किसी से भी मुझे एकदम ही याद आ गई आज अभी इस सेकंड में। प्रकाश सर थे हमारे, वैसे सिविल डिपार्टमेंट में थे, हम लोग केमिकल डिपार्टमेंट के थे, लेकिन उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी पूरे कॉलेज में। और बड़े से बड़ा मसला कैसे भी गैंग वॉर्स वगैरह हो जाए, कॉलेज है तो आए दिन झगड़े होते थे, उनका वहां पर होना मात्र सब क्लियर कर देता था माहौल, इतनी शांति झलकती थी उनको देखकर। प्रकाश सर नाम था उनका, और बहुत ही अच्छे जीव थे, उनको भगवानवती वहां पर कीमत करी जाती थी। मुझे तो अभी इसलिए याद आया, वो किसी भी विद्यार्थी से जब बात करते थे उनको ये बच्चे वगैरह नहीं कहते थे वे कभी, हालांकि वहां पर तो हिंदी का तो क्या ट्रेंड होना, लेकिन हर एक से बच्चे से भी बात करते समय पहला शब्द उनका रहता था सर, सर के बिना किसी से भी बात ही नहीं करते थे, और बहुत प्रेम से। ठीक है, मतलब ये एक कहना चाहिए कि जीतने का, मन जीतने का एक तरीका है, और मेंढक ने तो ऐसा काम किया है जिसको लेकर आज उसे महानुभाव और महात्मा कहा जा रहा है। एक अर्थ तो ये किया है, अब दूसरा अर्थ भी मैं यहां से करूंगा। पहले तो हम श्लोक पढ़ ले, पहले आपको पता होना जरूरी है। आज वैयावृत्त का एक तीसरा फेज चलेगा, वैयावृत्त का एक अंग हमने कौन सा देखा था, दान। दूसरी ट्रैक कौन सी देखी थी, हाथ पैर दबाना आदि, और ये तीसरी ट्रैक पूजा की। ये दो श्लोक चलेंगे, ये पूजन को लेकर चलेंगे। पूजन की ही एक में पूजन की महिमा आएगी, पूजन का स्वरूप आएगा स्वर्ग, और आगामी श्लोक में पूजन में प्रसिद्ध जीव की बात आएगी, जैसा इनका ट्रेंड चल ही रहा है। स्वरूप कहते हैं, फिर उसमें प्रसिद्ध जीव की बात करते हैं। क्या होता है पूजन से, आइए हम देखते हैं। पूजन का तात्पर्य, पूजन भक्ति एवरीथिंग, जो दिन में भी की जाती है, जो रात में भी होती है, वो सब पूजन भक्ति स्तुति स्तवन ये सब एक अर्थवाची हुआ करता है। भजन वगैरह जो भी सब अपने अपने नाम है। देखिए
119वां श्लोक मैं पहले उत्थाने का पढ़ता हूँ। इसी वैयावृत्त को ही अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं, एक बार हमने पढ़ा था इसको। इस प्रकार दान का वर्णन किया। अब वैयावृत्त में ही जिनेन्द्र पूजन का उपदेश करने वाला श्लोक कहते हैं, मतलब भगवान की हम वैयावृत्त करके आए हैं ऐसा कौन सोच सकता है। आज तक वैयावृत्त ट्रेंड कहाँ तक सीमित था, मुनियों की वैयावृत्त करते हैं हम, लेकिन इन्होंने अतिथि संविभाग व्रत ये शब्द ही हटा दिया वहां से, क्योंकि अतिथि और संविभाग ये शब्द इतने भ्रामक लगे इनको। संविभाग मतलब जो हमने हमारे लिए बनाया है उसमें से थोड़ा उनको दे, अरे ये छोड़ो इन बातों को। संविभाग मतलब भ्रम तो हो ही सकता है, वैसे करने को मैं एक नया अर्थ भी कर सकता हूं, बट एनीवे छोड़िए। उन्होंने एक व्यापक शब्द दे दिया वैयावृत्त, जिसमें से हम में से उनको देने की क्या बात है। तो भगवान की भी वैयावृत्त हो सकती है और उनके कहा हाथ पैर दबाए जाते हैं, तो उनको इतना भी किया हमने, हे भगवान हे प्रभु इतना भी किया, वैयावृत्त के दायरे में आ जाएगा। देखिए देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचिन यादाद तो नित्यम। देवादि देव चरणे, देवादि देव के चरण की परिचरणम का परिचरण मतलब परिचर्य करना, मतलब पूजन करना, स्तुति भक्ति करना। और चरण कहकर कोई चरण ही की बात नहीं है, चरण एक मुख्य अंग माना जाता है। और चरण द्व्यर्थक होता है, चरण मतलब होता है आचरण, तो जैसा आपका आचरण है वैसा ही हमारा आचरण हो, उसके प्रतीक के रूप में पैर होते हैं, इसलिए पैर के सामने झुका जाता है। पैर के सामने झुकना मतलब आपके रास्ते पर हमें चलना है, ऐसा उसका भाव होता है, एक बात। दूसरा अर्थ ये भी होता है, आदमी पूरी तरह नत हो जाए, अपने सभी अंग नत हो जाए, और ऐसा नत होने के लिए पैर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। किसी भी चीज की प्राप्ति करनी है तो पहले बोना पड़ता है, बोने के लिए नीचे झुकना पड़ता है, फल के लिए नीचे झुकना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी चरण उसका प्रतीक होता है। भगवान की पूजन करने से क्या होता है, सर्व दुख निर्हरणम, समस्त दुखों का अभाव होता है। क्या होता है, काम दुही काम दाहिनी, इन दो शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, काम दुही काम दाहिनी। क्या करते हैं, काम को देते हैं और काम को छीनते हैं, गजब के दो शब्द है। काम दुही काम देते हैं मतलब आपकी वांछा के अनुरूप पुण्य सामग्री भी प्रोवाइड कर देते हैं भगवान, हाँ भगवान के अनुयायी चले अनुचर एक, और फिर वांछा से ही छुटकारा दिलाते हैं। इसके लिए पूजन में बहुत एक अच्छी लाइन आती है, कोई बताएगा, एक छोटी सी लाइन, भुक्ति मुक्ति दाता, क्या अर्थ है इसका संकेत भाई, भुक्ति मुक्ति दाता, क्या समझते हो, मुक्ति को देने वाले हैं, हाँ उससे मुक्त कराने वाले, हाँ हो गया। इसके दो अर्थ बनते हैं, भुक्ति कोमा मुक्ति दाता, भोगों को भी देने वाले हैं भगवान और मोक्ष को भी देने वाले हैं। इसी तर्ज पर बहुत सारे कथन जिनवाणी में मिल जाएंगे आपको, स्वर्ग सुख मिलेगा धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, अपेक्षा के बहुत सारे कथन है। हम सियादवादी हम सब जानते हैं अंदर की पोल पट्टी, उसको पोल पट्टी को अभी रहने दीजिए अपने स्थान पर, क्योंकि चरणनियोग जो भी कुछ बोलेगा वो सब ठीक है। तो ये धर्म करते करते क्या होता है, भुक्ति भोग भी मिलेंगे और मुक्ति भी मिलेगी, एक अर्थ ये हो गए। दूसरा अर्थ कोमा हटा दीजिए, भुक्ति मुक्ति दातार, भोगों से मुक्ति मिलती है। ये भगवान के पास जाकर सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि भोग के प्रति एकदम निरसता हो जाती है। इसलिए वो अपने ये
नहीं, अपन वो भाग दो में पढ़ा थे ना क्या, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, और उसमें सब पूरा लिखा है। और आज तक मैं घूमता रहा, आज आपका दर्शन मिला है, अभी विषय में कोई आस्था नहीं रही, आदि आदि सब ये। तो ये दो बातें, काम दुही और काम दुहिनी, परिचीनु या दादर तो नित्यम, जो आपका आदर करता है उसको ये दोनों चीजें मिल जाती है। अभी जाते जाते ये समझना जरूरी है, जिसका लक्ष्य फसल की ओर है उसको न चाहने पर भी घास मिल जाती है। घास के लिए अलग से कोई खेती नहीं किया करता, वो तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सहज मिल जाता है, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। जो पुण्य की इच्छा करता है उसको पुण्य नहीं होता है, और जो धर्म की इच्छा करता है उसको स्वयं में पुण्य मिल जाता है। टोडरमल जी की भाषा में, जिसको तुम मांग रहा है वो तो स्वयं में मिल जाएगा, भगवान के पास जाकर जो भोगों की भोग मांगेगा वो तो पाप बंद ही करता है। अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि का प्रकरण पढ़ना चाहिए, पेज नंबर 7 पर है, पेज नंबर 274 पढ़ना चाहिए। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग थोड़ा पूछ करने की आदत रखते हैं। क्या चाहिए तुम्हें, बच्चा चाहिए, शादी शादी होना है तुम्हारी, भगवान के पास मांगो जो मिल जाएगा मिल जाएगा। ये चरणालयों की शैली, घबराओ मत घबराओ मत, होता है ऐसा। चरणालयों की शैली, हमको एलर्जिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु तो सबके उपकारी है। जैसा जो ख्याल में आए तुम एक काम करो, नमोकार मंत्र तुम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कितने दिन करना है साहब, तुम 5 लाख कर दो, काम हो जाएगा। अब 5 लाख होते 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 तो उसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। केसेस जितने भी निपटारे होते हैं ना, कोर्ट की केसेस, वो तो कहते तारीख पर तारीख इतने बढ़ा देते हैं, 80% काम उनको उसमें आसान हो जाता है। बहुत जन परेशान होकर कहते बस हो गए यार, बुढ़ापा आ गया, मरने अब क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक हो गया, साधारण इतनी सी बात इसमें कह दी कि पूजन के फल से पुण्य की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जाते जाते बीच में चर्चा करने योग्य प्रकरण, इसमें 8 द्रव्य के पूजन वगैरह का औचित वगैरह सब सिद्ध कर रहे हैं, 202 पर आइए। शायद आप अकेले में पढ़ने में कभी आप यहां पर आकर अड़ सकते हैं, आपको थोड़ा धक्का लग सकता है, तो 202 पेज पर आइए। घबराना नहीं, मैं आपको पूछूंगा इसका क्या रहस्य है, तसल्ली से हम पढ़ेंगे एक पैराग्राफ को। जो सचित्त द्रव्यों से पूजन करते हैं वे जल गंध अक्षत आदि उज्जवल द्रव्यों द्वारा पूजन करते हैं। आगे बढ़ू मैं फिर से, जो सचित्त द्रव्यों से पूजन करते हैं वे जल गंध अक्षत आदि उज्जवल द्रव्यों द्वारा पूजन करते हैं। चमेली चंपक कमल सोनजाई इत्यादि सचित्त पुष्पों द्वारा पूजन करते हैं। घी का दीपक तथा कपूर आदि के दीपों के द्वारा आरती करते हैं, उतारते हैं। सचित्त आम केला दाड़िम आदि फलों द्वारा पूजन करते हैं। धूपायन में धूप जलाते हैं, इस प्रकार सचित्त द्रव्य द्वारा भी पूजन करते हैं। दोनों प्रकार से पूजन करना आगम की आज्ञा अनुसार प्राचीन मार्ग है, अपने भावों के अनुसार पुण्यबंध का कारण है। धक्का लगा, धक्का लगा, हमें पता ही नहीं थी ये पैराग्राफ आज तक कैसे छिपा रहा है यार ये तो। आपको समझना चाहिए किस परिस्थिति में विद्वान कब फंस सकता है, क्या उस पर बीत सकती है, और किस उद्देश्य से उसने क्या लिखा होगा। तो ये भी एक प्रकरण आया है, आपकी जानकारी में चाहिए। लेकिन कोई यदि ये कहे इन्होंने तो 20 पंथ का पोषण किया है, तो आगे का पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते। देखिए, सचित्त पूजन निषेध मिल रहा है ऊपर, क्या कहा था उन्होंने, आगम की आज्ञा अनुसार प्राचीन मार्ग है। आगम की आज्ञा मतलब तथा कथित आगम, ऐसा समझना चाहिए। आप लोगों ने ध्यानतराय जी की पूजने पूरी पड़ी होगी, उसमें द्रव्य के नाम पर सादी बातें ही नहीं करते, जो जो फल उनके दिमाग में आते सीधे वे डालते जाते हैं, केला है संतरा है और क्या ना आपने और क्या क्या कहते। तो कभी कभी तो प्रश्न उठता ही है, ये ऐसे ऐसे फल लिखने की क्या आवश्यकता थी। उनके सामने समस्या जो भी रही होगी, उनको लग रहा होगा सब वहां पर भाग रहे हैं, तो हम नाम ये लिखे और फिर यहाँ पर ये बता देंगे, इनकी स्थापना बस बात है, अच्छी थी करना है, बस नाम लिखे है, जो भी उनका प्रयोजन रहा हो।
सचित पूजन निषेध, यहाँ ऐसा विषय जानना, इस दुखम काल में विकल्प जीवों की उत्पत्ति बहुत है। फूलों में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, त्रस जीव, प्रकट नेत्रों से दिखने वाले दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। फूल के पत्तों को झड़कार के देखिए तो हजारों जीव फिरते दौड़ते दिखाई देते हैं। फूलों में त्रस जीव तो बहुत होते ही है, एक दिन यह पढ़ा था अपने पैराग्राफ, तथा बादल निगोदिया जीव अनंत होते हैं। चैत्र माह में तथा वर्षा ऋतु में त्रस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। आगे का और एक पैराग्राफ जो उस दिन नहीं पढ़ा था, इसलिए जो ज्ञानी है, धर्म बुद्धि वाले हैं, वे तो सभी धर्म के कार्य यत्नाचार से करते हैं। और आप जानते हैं सदा सुखदास जी की टीका 20 पंथ में मान्य नहीं है, उनके आपको ये टीका नहीं मिलेगी, आपको दूसरी टीका मिलेगी वहां पर। धर्म बुद्धि वाले हैं, वे तो सभी धर्म के कार्य यत्नाचार से करते हैं, करना चाहिए। जिस प्रकार जीवों की विराधना न होवे उस प्रकार करना चाहिए। फूलों के धोने में दौड़ते हुए त्रस जीवों की बहुत हिंसा होती है, इसमें हिंसा तो बहुत है तथा परिणामों की विशुद्धता थोड़ी है, इसलिए पक्षपात छोड़कर जिनेंद्र के कहे अहिंसा धर्म को ग्रहण करके जितना कार्य करो उतना यत्नाचार रूप होकर जीवों की विराधना टालकर करो। आगे पूरा प्रकरण वैसे पठनीय है, आगे का ठोने का भी खूब निषेध कर रहे हैं। आगे ठोने की पद्धति आप जानते हैं ना, ठोना रखते हैं, दूसरे मंदिरों में खूब देखने में आता है, फिर वहां पर लोंग आदि में उसकी स्थापना कर लेते हैं और उसी की पूजा कर लेते हैं, ऐसा काफी उसका खूब निषेध किया यहाँ पर ठोने होने का, वो यहाँ से पढ़ना चाहिए। और कोई पूजन संबंधी वैसे प्रश्न हो तो वैसे पूछ सकते हैं आप, अन्यथा मैं आगे बढ़ ही रहा हूं। ये पूरा प्रकरण आप पढ़ लीजिएगा, पूरा पूजन संबंधी है। पूजन के पांच अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। बोलिए। ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं ये तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन एक बात समझने लायक ये है कि ये तो सब अर्वाचीन परंपराए है, ये तो नहीं बनाए तो क्या आपत्ति है, मतलब उसमें क्यों बनाना। तो स्थापना के लिए उसकी क्या आवश्यकता है बनाने की, नहीं ऐसा है। देखो मूल बात ये समझने लायक है, 12वीं सदी के पहले पांच अंग थे नहीं, पांच अंगों की जो सृष्टि है, जो जनरेशन हुआ है पांच अंगों का, वो 12वीं सदी में हुआ है आशाधर के माध्यम से। सबसे पहली बार अंगों का वर्णन भट्टारक ने किया है, एक, और वो भी चार अंग बोले उन्होंने सबसे पहले, और उन्होंने विसर्जन तो तब भी नहीं बोला, और फिर सोमदेव ने आगे कंटिन्यू किया तो सोमदेव ने उसमें और एक बढ़ा दिया, और चलती परंपराओं में फिर अभिषेक और एक बढ़ा दिया गया। तो ये तो नई परंपराएं हैं। मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं, अमित गति आचार्य ने जो द्रव्य पूजा की परिभाषा की है उसमें तो वे तो इतनी ही बात करते हैं, वच काय संग्रह द्रव्य पूजा निगद्यते। गेटिंग मैंने क्या बोला, नहीं नहीं रिपीट करता हूं। मैं कभी कभी इसलिए कहता हूं, एक दिगंबर मुनि ने अभी दो चार साल पहले ये कहकर तहलका मचा दिया कि आप लोग जानते हैं हम भी द्रव्य पूजन करते हैं और कर सकते हैं, तो ऊपर से लगता है आप कैसे द्रव्य पूजन कर सकते हैं। अरे भैया द्रव्य पूजन मतलब तुम क्या समझते हो, द्रव्य का अर्थ अमित गति आचार्य ने शरीर की एक्टिविटी और वचन का बोलना लिया है, और जो भाव है उसको भाव पूजा के दायरे में लिया है। बाद में परंपराएं धीरे धीरे चेंज आती गई। अब जब विद्वानों के सामने ये परंपरा आई, टोडरमल जी सदा सुखदास जी के सामने जब ये बात आई तो तुरंत वे उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, तो सदा सुखदास जी ने क्या किया, इसको बहुत अच्छी दिशा में मोड़ दिया इसको। तो एक एक अंग जैसे उन्होंने आठ, ये जो हम ये नई विद्या चढ़ाते उसका प्रयोजन क्या, और ये भगवान को न चढ़ाकर हम इसके पीछे ये भावना बहा रहे हैं कि हमें
भोगों की खान पान से हमारी आसक्ति छूटे, फिर ये देना मतलब कोई भगवान को नहीं दे रहे, भगवान के सामने हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि इसकी आसक्ति छूटे, इसकी आसक्ति छूटे। तो ये पूरा कंसेप्ट उन्होंने इन द्रव्यों के साथ लगा दिया। अभी फिर बाद में स्वस्तिक आ गए, क्या आ गए, कौन कोई भी क्या बनाता है, तो उसमें मतलब मुझे ये कहना है जितना निरारंभ आप रह सकते हैं आपको उतना निरारंभ रहकर केवल भावों की पवित्रता का विचार करना चाहिए। और फिर जैसा आपका माइंड डाइवर्ट होता हो तो डाइवर्जन के अवसर हो तो आपने कुछ आश्रय ले लिया, विचार करना चाहिए सब। लेकिन इतना ही ख्याल में आता है कि जितना अपन सामग्री लेते हैं उतना सब आरंभ है। और देखो अभी जैसे द्रव्य के क्षेपण कहाँ करना है, इसकी बहुत समस्या आती है, आप सब जानते हैं। अपने यहाँ पर भी अभी तक पुजारी वगैरह माली वगैरह ले लेते थे उसको, और जो भी उन्हीं को टाइप हो जाता था जिसमें भी है, फिर 2-3 साल पहले ये ख्याल में आया कि ऐसा होना ठीक नहीं है। और विदेश में तो इतनी भारी समस्या है, उन द्रव्यों को जलाते हैं या पानी में डाल देते हैं, और थोड़ा भी यहाँ वो कुछ गवर्नमेंट गला पकड़ लेती है अलग, और बार बार भी पूछते हम क्या करें इसका, हम क्या करें। मतलब कहने का तात्पर्य इतना है जितना यहाँ पर भी बताया गया, भैया द्रव्य को मिनिमाइज करो, आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। तो मतलब मूल मार्ग आपको समझना चाहिए, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के वर्ड्स हमको याद करने चाहिए जो अहमदाबाद के स्पीच में उन्होंने दिए थे, अरे जैनी भाइयों ये तो तुम्हारा काल आया है, आज यदि आप चाहे तो विश्व के एक एक कोने में आप जैनत्व का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन क्या करे, आज के जैनी ने पीले वस्त्र पहन कर इस थाली का माल उस थाली में करने में ही धर्म की इतिश्री समझी है, इसलिए इसमें बहुत बहस नहीं हो सकती। तो जैसे अपने परिणामों की बात है वैसे, और एक बात समझ लेना, इसका मेकर कोई ग्रंथ नहीं है, ये सब अभी अभी लेटेस्ट बना है, सब 50-100 साल की बातें हैं ये सब। अभी तो बहुत सारी बातें घुस गई है जो बहुत विचारने और काफी जन उस पर बात भी करते रहते हैं, शांति धारा आदि आदि आदि, तो ये सब नए ट्रेंड है, ये सब हमको थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। पुण्य का भाव तो का तो जरूर ध्यान रखना ही चाहिए। बोलो, नहीं तो फिर बात यही आई थी जो शायद अभी यहाँ पर होता है कि जंगल वगैरह में उसको क्षेपण करते हैं। हाँ, जंगल मतलब कहीं भी बाहर, ऐसा आया है कि जैसे अपरिचित पशु उसको खा जाए, अपरिचित पशु उसको खा जाए ऐसी जगह उसको, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, द्रव्य भी स्वयं लेके आते थे और द्रव्य उसका स्वयं ही उसका जो करना है कर लेते थे, जो भी कुछ निश्चित होता होगा। ये तो सिस्टम आज का है, हमने एक माली सेट कर लिया आदि आदि, पहले तो ये कुछ नहीं होता था। तो तुम्हारे द्रव्य की जिम्मेदारी हम क्यों लेंगे, तो तुम्हारा अपना अपना तुम्हारा फीलिंग है, तो द्रव्य का जो भी वो करता था। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय में जो पद्धति बताई है जैनियों के पूजन की जो चला करती थी, तो उन्होंने ये कहा था जहाँ पर परिचित पशु भी नहीं खा सकता उसको, अदरवाइज फिर वो निर्माल्य सेवन के दायरे में आता है, जो आजकल होता है ये तुम्हें इतना पे देंगे तुम्हें और ये द्रव्य मिलेगा। और हाँ, आंखों से सब देखते ही हमने तो बहुत देखा है, आंखों से सड़ता रहता है, लटे पड़ती रहती है उस चावलों में। आप यहाँ पर क्षेपण करके चले गए और पीछे उसका क्या होगा अभी, और वो इकट्ठा करके रोज थोड़ा थोड़ा छटक छटक थोड़ी ले जाएगा वहाँ पर बेचने के लिए, वो तो इकट्ठा करता है बोरे, 2-4 बोरे हो जाए उसके पास, और बरसात बरसात कैसे दिन होते वो सूखते थोड़ी है चावल, वो सब कैसे फैला फैला कर रखते हैं, सब देखा होगा आप लोगों ने। मेरे तो यहाँ पर तो बहुत ही कम आया देखने में कुछ भी, क्योंकि कोई, लेकिन वहाँ पर चेतन बाग में तो सब सामने ही माली वगैरह रहते थे, एक ही कैंपस था ऐसा, ये तो थोड़ा अलग अलग है ना, यहाँ पर डायरेक्ट सामने का कुछ दिखता नहीं है, वहाँ था तो वहाँ पर तो साफ साफ दिखता था सब। मतलब वो कितने दिनों सुखाता रहता था उसको, कितने जीव पड़ जाते थे, फिर जाकर कर देता था उसको। सभी बातों में ऐसा होता है, तो उसके पाप के भागी हम तुम ही तो लोग हैं, तो ये सब समझना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा खेचतान नहीं करके परिणामों की विचारना चाहिए। एक बार मुझे फोन आया, तो ऐसे पूछा कि मुक्ति को आज बहुत आग्रह किया गोला चढ़ाने को, जो भी कुछ चढ़ाने को,
तो उसने चढ़ाई नहीं आखिर, तो क्या कारण है? मैंने कहा हमने तो कभी कहा नहीं है, लेकिन शायद उसकी ये सोच होगी ये द्रव्य कब धुलता होगा, और मूल में जो गोली भी चढ़ाने की पद्धति उसको टेकचंद जी मना कर चुके हैं बहुत अच्छी भाषा में। टेकचंद जी ने साफ साफ बोल दिया है गोला चढ़ाना उचित नहीं है। अभी आपको भी जचेगी ये बात, लेकिन करेंगे तो आप, दिक्कत तो यही है। गोले के अंदर ऑलमोस्ट गोले खोल के देखे हैं आप लोगों ने, ये जो चौके में है वो जानता है इस बात को बहुत अच्छे से। और आप अच्छा वो कैसे भी निकले लेकिन प्रमाद का तो दोष आएगा ही उसमें, और मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, टेकचंद जी ये बोले हैं। उस पुस्तक में आप लोग आपने पढ़ा होगा जो दी थी मैंने, वो टोडरमल जी वाली, उसमें टेकचंद जी का भी एक लेख था। और टेकचंद जी एक प्राचीन विद्वान हुए हैं जिन्होंने द्रव्य की बात की है, और उसमें तो बना कर, क्योंकि कोई भी सबूत चीज नहीं बनाते हैं रखते हैं अपन, तो इसको कैसे रखा जा सकता है, और उसमें क्या होगा अंदर क्या नहीं, तुम क्या जीव चढ़ाएंगे वहां पर, और शोधन तो तुमको करना ही चाहिए किसी भी चीज का, ये नई नई, इसलिए मैंने कहा ज्यादा इसमें उलझ नहीं सकते हैं बहुत, ये नई नई परंपराएं सब चालू हुई, और बादाम भी नहीं चढ़ सकती। क्यों नहीं चढ़ सकती बादाम? साबुत है इसीलिए, और वो बोने से उगती है ना वो। तुम्हारी शर्त क्या थी? तुम गेहूं क्यों नहीं चढ़ा रहे आचित होने पर भी, ज्वार क्यों नहीं चढ़ा रहे आचित होने पर भी, गेहूं के बराबर चावल के बराबर आचित है वो गेहूं भी तुम्हारा, लेकिन फिर भी वो उगता है, और उगने को भी, उगने की सामर्थ्य वाले को भी इस प्रसंग में सचित बोल रहे हैं ये, तो बीज वाले बादाम बोने से तो उगती ही है, इसमें क्या शक है, और उसको अलग करो तो फिर उगती नहीं, उसका नेचर ही ऐसा है। अब पूछ लीजिए आप किसी को भी, मतलब आप जितना इसमें समझेंगे उतरेंगे आपको बड़ी दलदल ख्याल में आएगी। तो हमको इतना ही सावधानी रखना चाहिए, यदि नहीं बच सकते हो तो कैसे उसका मिनिमाइजेशन हो सकता है ये विचार करिए, और भावों की तरफ आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, और नहीं भूलना चाहिए इस बात को, स्तुति और स्तोत्रों के भंडार में हमारे पास ऐसे ये चढ़ाव वो चढ़ाव का एक भी कुछ प्राचीन है कहाँ हमारे पास? जितना भी है लेटेस्ट वो 300 साल पहले का है, होगा संस्कृत का, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेटेस्ट 300 वर्ष का है एक पूजन लिखा वाला, जो ऐसा चढ़ाव 400-500 का मिल सकता है, लेकिन उसका नाम अकल शकल तो हम कुछ भी समझते ही नहीं, कौन आदमी था और किस जाति का था ये, किस जाति का मतलब, कोई दिगंबर आचार्य ने तो कहीं बोला नहीं, कोई प्रामाणिक विद्वान ने भी नहीं लिखा है। हमारे यहाँ जितना स्तोत्र वगैरह साहित्य है, जैसे भक्तामर एक ही भाव है, कल्याण मंदिर है, ये सब स्तोत्र है, अप्त में मानसा है, देवागम स्तोत्र है, ऐसे स्तोत्र की रचना हमारे में हुई है जो भक्ति के गुणानुवाद भगवान का यही हुआ करता है। दश भक्ति है कुनकुन स्वामी की, पूज्यपाद स्वामी की, ऐसा ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। मैं पूजा, पूजा एक, पूजा रियली एक व्यापक शब्द है, मैं इसलिए अभी अभी कहा गुणानुवाद इस पूजा, गुणानुवाद के साथ आपके हाथ पैर भी हिलेंगे, आपको परिक्रमा देने का भाव आएगा, टोडरमल जी ने जो लिखा उनके निकटवर्ती होना, उनके वचनों को सुनना, उनको उनका आकार का अवलोकन करना, ये सब भक्ति में जाएगा। भक्ति पूजन कोई अलग अलग नहीं हुआ करता, मूल लिटरेचर किसी को भी पूछिएगा पूजन भक्ति में क्या अंतर है, अरे सुबह होती वो पूजन होती और रात में भोजन के बाद होती वो भक्ति है, अरे ये तुम हम बोल रहे हैं, ये ऐसे लिखा कहाँ है, ये तो हमने तय कर लिया कि इसको भक्ति कहेंगे और उसको पूजन कहेंगे, लेकिन परमार्थ से सब परे वाची है। कुनकुन स्वामी की नियमसार में दो गाथाएं भी है पूजन को लेकर, उन्होंने कोई ऐसी चर्चा नहीं की उस पर। होते थे रत्नों को चढ़ाते थे, मनोवती मनोवती के आती है। अब मनोवती का मैं डिसेक्शन करूं तो आपको और भी अच्छा लगेगा क्या, लगेगा क्या? देखो गजमोती का आता है क्या? नहीं सुनिए तो, अभी सुनिए सुनिए, क्या लगता है आपको, क्या गजमोती चढ़ सकता है भगवान को?
पहले तो ये समझे गजमोती क्या चीज है साहब, और कुछ भी है तो मोती चढ़ सकता है दो इंद्रिय। अभी कहानियों में तो बड़ी दलदल है और भी, तो भट्टारकों ने क्या क्या नहीं किया है। हम इतना कह सकते हैं कि द्रव्य में सचित तो नहीं चढ़ना चाहिए, और अचित में भी शुडंट इंसिस्ट ऑन फिगरेटिवली एट। ये नहीं समझे, एक में भी आपको आपका काम निकालना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है पूजा विधि और फल, प्रश्न टू एवरीवन, पूजा विधि फल कहां पर है ये पाठ, पूजा विधि फल ये पाठ कहां है? चलो आपने इतना तो कर लिया, कहीं ना कहीं लोकेशन तो बता दे यहां पर कहीं है। ये है वितराग विज्ञान में, उसमें एक प्रश्न पूछा है, उसमें दो पात्र है, उसमें दो पात्र में एक पात्र प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हम एक द्रव्य से पूजन कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न डाला है। जो जयपुर से छपी मैं उसकी बात कर रहा हूं, 500 साल हो गए उसको, क्या प्रश्न डाला है उसमें, क्या एक द्रव्य से पूजन हो सकती है, उसको उत्तर क्या दिया है बताइए कोई। भागों में है या हमारे भागों में, गाइड में नहीं है, सॉरी भागों में, मूल भाग में, छोटी छोटी पुस्तक में, उसमें ये उत्तर देता है वो देने वाला, सुबोध प्रबोध होगा शायद वो कपल, तो उसमें ये उत्तर दिया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर आगे और एक लाइन है बोलिए, पूजन तो बिना द्रव्य के भी हो सकती है। ऐसा हमको ये सब समझना चाहिए। तो और जहां पर भी जो विधियां है, अभी दूसरा भी मैं एक पार्ट बता देना चाहता हूं, जब दश भक्ति वगैरह पढ़ते वहां पर खुलकर देवों के द्वारा द्रव्य पूजन की बात आती है। क्या कहा मैंने, देवों के द्वारा द्रव्य की पूजन की बात आती है, तो वहां पर समझना चाहिए उनके देवों पुनित कोई ऐसी चीज होती होगी, वो सब पृथ्वी काय की होती होगी, और उनके पास सब होता है, सब विक्रिय ऐसे सब खड़ी हो सकती है उनकी चीज, आर्य जो भी कुछ होता है, ले तो लग रहा है उसी को देखम देखी यहाँ पर कुछ चालू हुआ क्या, और विद्वानों ने इतना क्या किया, अचित तक सीमित रखा और अचित में भी प्रॉपर प्रयोजन बताया। बस संख्या का आपको आग्रह नहीं होना चाहिए, रंग आदि का आग्रह नहीं होना चाहिए, ये द्रव्य थोड़ा लाल दिखे आदि आदि, जो केशर की बात आई थी थोड़े दिन पहले, इतना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। ये श्लोक हमें पूरा, ओ चलिए मुझे पूरा तो करना है ये श्लोक, श्लोक पढ़िए 120 जल्दी। अरहत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम वदत, 211 कुसुमेने केन राज गृहे। मैं अर्थ सामान्य करके फिर विशेष बात करूंगा। यहां पर ये लिखते हैं महात्माओं को बता दिया है किसने, उस मेंढक ने महात्माओं को बता दिया है, तुम हम लोगों को, कि भगवान के चरणों की पूजा करने का क्या महात्म्य है, क्या फल होता है। एक फूल वो ले गए, अब यहां से भी वो बात पनपी होगी, भगवान जाने क्या बात हो गई, वो फूल एक ले गया मेंढक और उसने चढ़ा दिया। अब मैं कहानी कुछ सुनाऊंगा आप लोगों को, मैं दो कहानियां सुनाऊंगा, मैं जानता हूं समय तो बहुत हो गया है और मुझे बहुत जल्दी चालू करना था ये, मैं दो कहानियां सुनाऊंगा आपको आज। एक कहानी आपने सुनी है पहले, उसी को सुनाऊंगा, मैंने भी सुनी है, और एक मैं वो कहानी सुनाऊंगा जो मुझे सुनानी है, जो आपने सुनी तो है ही नहीं। प्रसंग तब का है जब राजा श्रेणी विराजते थे, महावीर उनके मौसा जी बन गए थे तीर्थंकर, और श्रेणी तब राजा थे पूरे भारतवर्ष के, मतलब लौकिक और लोकोत्तर दोनों वो ऑथोराइज्ड हो गए थे उस फैमिली के पास। मगध अपनी राजधानी थी श्रेणी की, और मगध के राजगृही नगर में
वे रहते थे राजश्रेणी। उसी नगर में एक नागदत्त सेठ रहते थे और एक भवदत्ता उनकी सेठानी रहती थी। एक दिन की बात है, जब नीचे बैठे थे वे तल घर में, वे सामयिक करने के लिए बैठ गए और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि ये जब दीपक बुझेगा तो मैं सामयिक पूरी करूंगा। और वो बार बार आके खोलते देखते रहे, बहुत अर्थ ध्यान किया, बहुत अर्थ ध्यान किया, बहुत अर्थ ध्यान किया। तो कौन परेशान कर रहा है, मेरी पत्नी तो हमेशा खिसकाती है मेरा दिमाग, अभी डरती जा रही, कब होगा ये बंद, कब होगा। और बहुत अर्थ ध्यान किया, पानी 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 पानी, और उनका उसमें मरण हो गया। और अर्थ ध्यान के फल में वे मेंढक बन गए। मेंढक बन गए तो मोह में और क्या कर सकता है आदमी, मरे तो मरे, पैदा तो हुए तो वही उन्हीं के कुएं में पैदा हुए, वहीं पर उस बहाने रोज पत्नी का मेल मिलाप बना रहेगा, ऐसा उनको लगा। तो पत्नी जब भी आती थी, और तो कुछ नहीं, पत्नी जब भी आती थी उछलता रहता था, हाथों हाथों पर आता रहता था, मोह की महिमा। तो पत्नी ने, पत्नी उसको बार बार झिड़कारती थी, लेकिन वो बात नहीं बनी। एक बार वहां पर कोई मुनिराज आए तो उसको लगा ये मेरे ऊपर ही क्यों उछकता है, क्या बात क्या है। तो उन्होंने सुव्रत नाम के एक मुनिराज को पूछा कि क्या माजरा है, तो उन्होंने बता दिया कि इस मेंढक को जाति स्मरण हो गया है और ये मेंढक तुम्हारा एक्स, एक्स मतलब पूर्व बहु का पति है ये, और उसका तुम्हें जो भी अब तुम्हें क्या करना। अब वो तो उसने फिर जैसे ये पता चला, मेंढक को लिया और शोकेस में, तो क्या आपने घर में रख दिया समझ, और फिर उसका बराबर ध्यान रखती थी, अभी ध्यान क्या रखती ध्यान रखना मेंढक का क्या ध्यान है। और फिर एक दिन की बात है, ये मैं वो कहानी सुना रहा हूँ आपको जो आप कहानी बहुत दफे सुन चुके हो। और फिर एक बार की बात है, सब समोशरण चले गए, पीछे पीछे मेंढक भी चला गया, हाथी के पैर के नीचे कुछ लगाया, और तो और श्रेणी के ही हाथी के पैर के नीचे, और फिर वहां से भी देव की पर्य में चला गया, और देव की पर्य में वहां पर समोशरण में जाकर समोशरण में पहुंच गया, और वहां पर उसने सम्यक त्वाजा अर्जित कर लिया। ये कहानी आप लोगों ने सुनी है, बस मैं अभी एक नई कहानी सुनाता हूं आपको। पूजन का महात्म्य चल रहा है यहां पर, भगवान की भक्ति का क्या फल हो सकता है। नागदत्त नाम के एक सेठ थे, नागदत्त नाम के एक सेठ थे, और जब भी संस्कार कहीं शिविर हुए हैं, मैंने ये अटेम्प्ट चार पांच बार प्रयास किया है, ये मेरे अपने सुना है क्या है? संस्कार शिविरों में मैं पांच छह दफे इसको ले चुका हूं। पहला प्रयास मैंने किया था भिंड के संस्कार शिविर में, मैंने इस कहानी को टोटली चेंज करके पुटअप किया था, अभी आपको समझ में आएगा। नागदत्त नाम के एक सेठ थे, सामयिक में बैठे थे, अज्ञान अवस्था में पहले तो विषय भोगी थे, और अज्ञान अवस्था में पहले तिरेंच आयु बांध ली थी मायाचारी आदि आदि के परिणाम से, बंद गई थी उनकी आयु, लेकिन बाद में काल पाकर उनका परिणाम उत्तर उत्तर अच्छा हो रहा था। और आज की बात है, जब किनारे लगी है नैया तो विशेष धर्म में प्रवृत्ति होने लग गई थी उनकी। सामयिक में बैठे थे एक बार नीचे, और जब सामयिक में बैठे थे तो यही बात हो गई, वो दीपक जल रहा था, और उन्होंने यही प्रतिज्ञा की थी जब तक दीपक जलता रहेगा मेरे सामयिक चलती रहेगी। उनको ख्याल में आया कि दीपक बुझ नहीं रहा है, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की मन ही मन में, नहीं तो नहीं सही, मैं प्रतिज्ञा से किसी भी हालत में हटूंगा नहीं, अडीग बना रहूंगा। ऐसी जो उनकी धर्म के प्रति आस्था, दृढ़ आस्था, संस्कार वो इतना प्रबल था धर्म से विचलित नहीं होने का। अभी तिरेंच आयु तो पहले बांध ही ली थी उन्होंने, तो तिरेंच में तो होने ही थे, लेकिन हुए तो उसी राजग्रही नगरी में और उसी कुएं में हुए। फिर उनको ये लगा, पूर्व भव में ये पत्नी हमको इतना धर्म का समझाती थी,
अब इसका क्या क्या हो गया है, इसको ये धर्म कर्म से सब रहित हो रही है। और वहां पर कुएं में बैठकर भी मेंढक को इतना विवेक था, संस्कार के बल पर भी आज भी उस बात को नहीं भूलता था कि मैंने अज्ञान अवस्था में तिरंचा भी बांधी थी, उसकी ये सब फल है। अर्थ ध्यान नहीं किया था मैंने और ना पानी पानी किया था मैंने, ये बात झूठी है, मैं तो मरने की कीमत पर भी अड़िग रहूंगा, इतनी ही मैंने प्रतिज्ञा की थी। उसके फल पर फल में मैं राजग्रही जैसे पवित्र नगरी में जन्मा और कहीं नहीं जन्मा। और तो और थोड़ा ये भी राग सता है कि पत्नी ऐसी क्यों हो रही है, तो उछलता था तो कोई पत्नी के ऊपर नहीं उछल रहा था, मैं तो उस जीव को ये देख रहा था, सचेत कर रहा था कि क्या हुआ, धर्म की बात का क्या हुआ, अभी विषय में घर गृहस्थी में कब तक लगी रहोगी, और सचेत करने का प्रयास किया। और जब दुंदुभी बजी वहां पर समोशरण में, तो मेंढक ने आओ देखा ना ताओ, और मेंढक ने ये भी नहीं सोचा कि मेरी कैसी पहुंच हो सकती है वहां पर, मेंढक तो अपना संस्कार का बल आज भी यहाँ पर विद्यमान था दूसरे भाव में मेंढक के, तो यहाँ पर भी और कुछ नहीं सूझा, समोशरण की ओर बढ़ा। समोशरण के लिए उसको किसी ने प्रेरित नहीं किया था, पत्नी को इतना समझ में आता तो पत्नी ले जाती ना फिर उसको, वो तो अपनी दम पर निकला है स्वाधीनता से। और आज भी फिर यही हादसा हुआ है, और आज भी हाथी के पैर के नीचे आया, लेकिन मरते समय मेंढक को आज भी यही लग रहा है कि मरण भले ही आ जाए लेकिन मैं धर्म की उपासना भगवान की आराधना नहीं छोड़ सकता, मेरा कितना दुर्भाग्य है मैं भगवान के समोशरण में नहीं जा सका, ऐसा संस्कार धर्म का लेकर फिर मरा, इसीलिए दुनिया में और कहीं पैदा नहीं हुआ, हुआ तो हुआ फिर यही पैदा हुआ, इसी पहले देव हुआ, सॉरी देव हुआ, अभी देव तीसरी परे है। देव हुआ तो आप सब जानते हैं अंतर मुहूर्त में देव पर्याप्त हो जाता है, देव होते ही और उसको कुछ नहीं दिखा, देव होने के बाद तो पूरे भोगों के अंबर लगे थे, ये इंद्र बना था इंद्र वहां पर सौधर्म स्वर्ग का, और वहां पर और तो कुछ नहीं दिखा इनको भोगों। मैं क्या सोच रहा था अभी क्या सोच रहा था मैं, और एक आदमी ऐसा था जो यहां पर पहुंचते ही ये सोच रहा था तो कौन है मुझे गाली गलौज कर रहे थे, परेशान कौन कर रहे थे, अच्छा ये बच्चे कौन था वो आदमी, नाम बोलिए जल्दी, द्वीपायन मुनि, आप जानते हैं ना दूसरा कथन द्रव्य संग्रह की टीका का, उसमें यह आया है द्वीपायन मुनि ने इतना संक्लेश किया कि ये लोग मुझे गाली गलौज करते, संक्लेश में मर गए मुनि, संक्लेश में मर गए, मर के अग्निकुमार जाति के भवनवासी देव हुए। और देव ने पहले उन्होंने जन्मते ही अंतर्मुहूर्त वैसे ही परिणाम रहते जो मरते समय थे वैसे वही लेशा रहती है, उन्होंने वो सोचा कि क्या हुआ था मांजरा, ऐसे कोई संक्लेश परिणाम, अच्छा ये बच्चे परेशान कर रहे थे द्वारका नगरी के, निपटाई देते ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, सीधा ऊपर से उन्होंने अटैक किया, और जो ऊपर से जो मिसाइल उन्होंने डागा वो सीधा तबाही मचा दी उन्होंने, देव देवगण ऐसा करते हैं, ये भी एक कथन हमारे पास है। अभी ये देव हुए नागदत्त, तो देव भी हुए और कुछ नहीं सूझा, अपना कुछ मिशन इनकम्प्लीट रहा लग रहा है, अच्छा समोशरण में मैं जा रहा था और सब छोड़ के पहले हजेरी समोशरण में लगाए, समोशरण में हजेरी लगाकर सम्यक तो वगैरह अर्जित कर लिया, श्रेणी को भी पता चल गया आज मेंढक का चिन्ह देखकर, उन्होंने भी समोशरण में पूछा 60,000 में एक प्रश्न ये एक डाल दिया कि आदमी कौन है जो ऐसे हेलमेट जो भी कहना हो जो ऐसे मुकुट लगाए है ये आदमी, तो उन्होंने बताया पूर्व भाव में तुम्हारे हाथी के नीचे आकर ये मर गए थे, और ये इतने पवित्र परिणाम है इस जीव के भव भवांतरों से भाई हुई इस भावना को धर्म के संस्कार को अक्षुण्ण रूप से चलते आ रहे है आज फल गए है इसका, इसने आखिर तक उसकी धगज नहीं छोड़ी, मोफत में मेंढक को याद नहीं किया जा रहा है, ना ही अर्थ ध्यान के फल में बेचारा यहाँ आया है, पहले अज्ञान अवस्था में बांध दी थी, आज मेंढक को देखना है ये इस रूप में नहीं कि पानी पानी करके मरने वाला, इस रूप में देखना है, आज भी उसको दुंदुभी आई बाहर निकल आया मार्च। आप जानते होंगे दुंदुभी का ऐसा अतिशय बताया है कि सामान्य जन को उसका अतिशय लगता है और जाया ऐसा लगता है, जरूरी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि भोगियों को क्या लगे ऐसा,
तो जिनकी योग्यता ही नहीं है तो तब भी नहीं जाते। ऐसे थोड़े सब नगर के नगर साफ होते होंगे, ऐसे थोड़े तुम जाओ मैं घर संभालते हो, ऐसे लोग रहते ही है, आज थे और तब भी थे, होते ही है ऐसे। कल एक अंतिम श्लोक बचा है अपना अतिचार का 121, उसको हम कल